देव असुर संग्राम के बीचों बीच समुद्र मंथन आरंभ हुआ और उस समुद्र मंथन में भगवान उनकी सहायता कर रहे थे। कूर्मदेव के रूप में मंदार पर्वत को अपने ऊपर धारण किया। भगवान के निवेदन से वासुकी जी आ गए। देवता एक ओर खींच रहे थे, असुर दूसरी ओर खींच रहे थे। मंथन चल रहा था। उस समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम हलाहल विष उत्पन्न हुआ। वो विष चारों दिशाओं में फैलने लगा। उस विष के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर सारे देवता और असुर अपने मृत्यु की आशंका से भयभीत होकर भगवान श्री विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री विष्णु ने स्पष्ट कर दिया कि विष का मामला है, केवल शिवजी शंभु इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। निर्लज होकर सारे देवता असुर शिवजी के पास गए, बोले कृपा करके इस विष के भयावह प्रभाव से बचा लीजिए। शिवजी ने कहा पार्वती जी का अनुमति मुझे लेना होगा। पार्वती जी ने उनको अनुमति दे दी। तब शिवजी ने अपने असीम करुणावश संपूर्ण विश्व के महासागर को चुल्लू भर में परिवर्तित करके उसे स्वीकार कर लिया और तब वो विष उनके गले में आकर अटक गया। न उनको अंदर जाने दिया, न बाहर उसको फेंका। उनके गले में अटके हुए विष के कारण शिवजी का नाम पड़ गया नीलकंठ। जब हमारी कोई आलोचना करे, बुरा भला कहे, तो कभी कभी हमें बड़ा दुख होता है, तभी बड़ी बड़ी वेदना होती है। ये आलोचना को हम अपने अंदर नहीं लेना चाहिए जिससे हतोत्साहित न हो, और न इस आलोचना को दोष दर्शन के रूप में दूसरों के साथ गाली गलौज के रूप में प्रस्तुत करें। इस आलोचना को हम अपने गले में रखें और नीलकंठ से प्रेरणा लेकर उनके पदचिन्हों में चलते हुए अपने सहिष्णुता बढ़ाएं। तप्यन्ते लोकतापेन साधवो प्रायशो जना परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। भागवत में वर्णन आया है कि भगवान श्री विष्णु को संतुष्ट करने के लिए एक महान तरीका क्या है, स्वयं कष्ट उठाएं जिससे दूसरों प्रसन्न हो। जब हम स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, ये भगवान की आराधना का एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसको अपने जीवन में उतारें, जीवन को सफल बनाएं।